Dear students, today's topic is reaction of metals with water. Reaction of metals with water. Dear students, जैसे पिछले टॉपिक में रिएक्शन ऑफ मेटल जैसे भी हमने पढ़ा, आज का जो टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, जैसे कि आप देख रहे हो. डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज विद वाटर. हमेशा याद रखना है, जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं उनको डिफरेंट दे शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज विद वाटर. ऑल मेटल्स रिएक्ट विद वाटर अंडर डिफरेंट कंडीशन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. तमाम मेटल्स जो है डिफरेंट कंडीशन में रिएक्ट करते हैं वाटर से, और लेकिन तमाम जो मेटल्स है ऑल मेटल्स, इनकी ये खूबी है दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया, हमारे पास जो डिफरेंट मेटल साइंस में है, कुछ मेटल जिनको हम एक्टिव मेटल्स कहते हैं और हमारे पास कुछ मेटल जो लेस एक्टिव मेटल्स है. अगर हम एक्टिव मेटल्स की बात करें, मिसाल के तौर पर जैसे कि आप इस वक्त देख रहे, यह है सोडियम प्लस वाटर, पोटेशियम प्लस वाटर, मैग्नीशियम प्लस वाटर, जिंक प्लस वाटर. जैसे आपको पता है कि सोडियम का सिंबल Na है, पोटेशियम का K है, मैग्नीशियम का Mg है, इसी तरह जिंक का जड़ है ने. ये हमारे पास डिफरेंट मेटल्स है. लेकिन अगर हम पहले जो ऊपर के दो मेटल्स है, सोडियम प्लस वाटर, पोटेशियम प्लस वाटर, सोडियम पोटेशियम, इनको हम साइंस में एक्टिव मेटल्स कहते हैं. व्हेन सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर एट रूम टेम्परेचर, जब सोडियम और पोटेशियम वाटर से रिएक्ट करते हैं रूम टेम्परेचर, हमेशा याद रखो, रूम टेम्परेचर का मतलब है कम्फर्टेबल टेम्परेचर, यूजली कंसिडर टू बी 20 to 25 डिग्री सेल्सियस. डियर स्टूडेंट्स, ये एक्टिव मेटल्स है. जब ये रिएक्ट करते हैं वाटर से, डियर स्टूडेंट्स, व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. देखो, जहां सोडियम जब रिएक्ट करता है वाटर से, यहाँ क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. जैसे कि आपने पढ़ा है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. इसलिए एरो का मतलब भी ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस. अगर रिएक्शन बैलेंस करें तो यहाँ ट्वाइस लिखना पड़ेगा, क्योंकि तब ये रिएक्शन जो है बैलेंस करने के लिए, ये रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट्स है. इसी तरीके से जब पोटेशियम वाटर से रिएक्ट करता है, यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है KOH, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, जिसको मैंने एरो से दिखाया है. सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. डियर स्टूडेंट्स, एज दे आर एक्टिव मेटल्स, द रिएक्शन इज सो वायलेंट. ये जो रिएक्शन यहाँ पे हुई, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस. इसी तरीके से पोटेशियम रिएक्ट्स विद वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस. दिस रिएक्शन इज सो वायलेंट इन एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्वड हाइड्रोजन कैट्स फायर. यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ये इतनी वायलेंट रिएक्शन है. दिस हाइड्रोजन गैस कैट्स फायर, इसको क्या आग लग जाती. अब अगर हम लेस रिएक्टिव मेटल्स की बात करें, मिसाल के तौर पर लेस रिएक्टिव मेटल्स